हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आज 2 अक्टूबर और नवरात्रा भी आ गई है, तो हमें धूमधाम से हम नवरात्रा की तैयारी करते हैं। अभी जो टाइम है 12 बज गया, काफ़ी टाइम हो चुका है। धूप भी आज बहुत कड़क धूप निकली हुई है। और एक्चुअली हुआ क्या कि आज हम लोग का पानी भी बहुत लेट आया, सुबह मॉर्निंग पानी आया ही नहीं, तो वो करीब 9 बजे पानी आया, तो उस पानी को भरने और सारे स्टोर करके रखने में उसमें टाइम काफ़ी टाइम चला गया। और मैं ऊपर में लगा दिया है कपड़े धोने के लिए, तो बस यही सब चल रहा है। टाइम कब भी जाता है पता ही नहीं चलता है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरा खाना अभी तक बना नहीं है, तो आज मैं बहुत झटपट क्विकली सब्जी जो बनते हैं उस टाइप की मैं सब्जी बनाऊँगी पनीर की। और पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ये बहुत कम टाइम में बहुत टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो जाता है। मैं छोटी सी कढ़ाई खरीद के लाई हूँ मार्केट से, बहुत छोटू सा कढ़ाई है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ मैंने एक लेड भी लिया है। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी कढ़ाई होते हैं ना बिल्कुल लाए रहते हैं, इसके जो हैंडल होते हैं पकड़ने वाले, वही इसके ख़राब हो जाते हैं, मतलब ये ढीला हो जाते हैं और यहाँ से ये सब्जी सब निकलने लगती है और हम उसको अच्छे से क्लीन भी नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। तो इस कारण मैं चाहती हूँ कि बिना हैंडल वाला जो कढ़ाई होता है ना वो लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मिला नहीं। मैं मार्केट में ढूंढा तो उसने कहा कि हम आपको मंगा देंगे बाद में, अभी उसके पास था ही नहीं बिना हैंडल वाला, सारे इसी टाइप के थे। तो मैं ये लेके आ गई, क्योंकि ये भी छोटू सा है और अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये कढ़ाई लिया। और इसकी जो है आज हम सब्जी इसी में बनाएंगे, जिसको हम उद्घाटन करेंगे आज। इसमें यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है 380 रुपया, लेकिन मुझे इसने 350 का दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा ये। चलो स्टार्ट करते हैं बनाना सब्जी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और साथ इतनी होती है इस बार कि मेरे पूरे घर में जो है सीलन सीलन टाइप से हो गया है, तो उसको भी सफ़ेदी कराना है। बहुत बुरा हाल हो चुका है पूरे घर का, सफ़ेदी भी करवाना है। तो सोच रहे हैं कब इसको स्टार्ट करूँ, नवरात्रा भी आ गई है और आज जो है छुट्टी है गांधी जयंती की। हम फटाफट खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट सब्जी बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 मग पानी, और पानी को थोड़ा हल्का सुसुम कर लेंगे। इसमें हमने चॉप किए 5-6 टमाटर को रखे थे, वो भी हम डाल देंगे। साथ में मैंने 2 प्याज भी इसमें कट करके रखे हैं, तो प्याज मैंने कम डाला है और टमाटर की मात्रा ज़्यादा है। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली है, 1 हरी मिर्च को मैंने 2 टुकड़े में कट कर दिए हैं और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा। सारे मसाले को मैंने इस पानी में डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा काजू डाल रही हूँ, इसको भी हम इसमें डाल के बॉयल कर लेंगे। इसके बाद कुछ खड़े मसाले भी ले लिए हैं मैंने, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 तेज़पत्ते और 2 लौंग। तो ये खड़े मसाले ही काफ़ी है, बस सिर्फ इसी मसाले से हमारी सब्जी बनने वाली है और कोई एक्स्ट्रा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, यही मसाले डालेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि हम इससे पहले भी एक पनीर की सब्जी बनाई थी, तो उसी टाइप से बनाई थी। यहाँ पर मैं 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दी है और 1/2 चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा जो है बटर डाल रही हूँ। इन सारे चीज़ों को डाल के हम इसको थोड़ा सा मिला देंगे और इसको हम ढक के छोड़ देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, और गैस को कर देंगे लो। इसमें ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाएगा, सारे मसाले जो भी मैंने डाले हैं टमाटर प्याज काजू जो भी है अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये जो है कढ़ाई नई कढ़ाई है ना, तो इसकी मैंने इसका लेड भी लिया था ऊपर वाले ढक्कन, तो ये परफेक्ट ढक्कन सेट हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारे मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो मसाले काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, तो जो मैंने इसमें खारे मसाले डाले थे जैसे कि बड़ी इलायची हो गई काली वाली, तो इसको हम अगर इसी में डाल के पीस लेते हैं तो ये क्या करता है सब्जी को बिल्कुल काला काला सा कलर कर देता है, इसलिए हम इसको सिर्फ फ्लेवर चाहिए और हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद तेज़पत्ता भी हम निकाल लेंगे इसमें से, और ये जो दालचीनी का टुकड़ा है ये भी निकाल लेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैंने निकाल लिया है, सब्जी जो सॉरी मसाले जो है ये मैंने बॉयल किया है, इसको हम ठंडा करके ग्राइंड करके इसमें हम प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। इससे पहले भी मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, तो मैंने इसी टाइप की ग्रेवी की
तैयारी की थी, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। तो वीडियो ज़रूर देखना, पूरा वीडियो। झटपट क्विकली बनने वाली ये सब्ज़ी है और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। यहाँ पर हम इसको प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे, और अगर मुझे लगेगा कि इसमें एक दो मोटे मोटे टुकड़े से रह गए हैं तो हम इसको एक छन्नी में छान लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको प्यूरी बना लिया है, और बिल्कुल छानने की मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छे से ये पिस गए हैं क्योंकि इतने सॉफ्ट हो गए थे सारे मसाले। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बटर, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं या घी भी, मैंने बटर डाला है। बटर डाल के आप बनाओ, ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसमें मैंने डाल दिया एक हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, तो बटर में इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने जितने भी पनीर को कट कट के रखे हैं पीसेस में, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस पनीर को मुझे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एक मिनट ही मुझे इसको सॉटे करना है बस, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच कसूरी, मतलब देगी मिर्च जो आती है कश्मीरी मिर्च, वो हम डाल देंगे इसके बीच में एक चम्मच। आप चाहे तो अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो एक चम्मच मैंने बॉयल करते समय डाला था और एक चम्मच हम अभी डाल रहे हैं। इससे क्या होता है, कलर बहुत परफेक्ट आता है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो हम इसको डाल के अच्छे से इसको हम चला लेंगे एक बार। पनीर को मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसको सॉटे करना है। अभी जो पनीर है वो मेरा पक चुका है, और ये जो मैंने प्यूरी बना के तैयार की है इस सब्ज़ी में हम डाल देंगे। तो आपने देखा इसमें कोई मसाला नहीं पड़ा है, मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ वही मसाला इसमें हम प्यूरी बना के डाल रहे हैं जो कि मैंने बॉयल करके रखी थी। और इसका कलर कितना अच्छा आया है, तो बहुत झटपट बन के तैयार होने वाला सब्ज़ी है, ना इसमें ऑयल लगेगा ना कोई ज़्यादा मसाला लगेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो इस प्रकार की सब्ज़ी आप बना सकते हैं और बहुत आसानी से आप बना के खा भी सकते हैं। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ा नमक मैंने पहले भी डाला था और थोड़ा अभी मैं डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया फ्रेश मलाई, ये घर की मलाई है, तो हम इसको भी इसमें डाल देंगे। सब्ज़ी जो है बिल्कुल डन हो चुकी है, तो ये लास्ट हो चुका है, इसलिए हम इसमें लास्ट में इसमें मलाई डाल के इसको मिला लेंगे एक बार। और ये जो सब्ज़ी की ग्रेवी है इतनी क्रीमी क्रीमी सी है, इतनी अच्छी बनी हुई है सब्ज़ी कि आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, पूड़ी पराठे चावल जिस चीज़ के भी साथ खाना चाहते हो आप खा सकते हो। अगर आपको टमाटर थोड़ा ज़्यादा खट्टा है तो इसमें आप एक चम्मच चीनी डाल दें, टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इसको मैंने एक बॉल में निकाल भी लिया है, ये कितना सुंदर सब्ज़ी बन के तैयार हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म चपाती, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी हो चुका है, तो यहाँ पर हम गर्मा गर्म चपाती बनाएंगे और थाली लगा देंगे सबके लिए। अभी टाइम जो है 1:30 बज गया है, तो इसलिए मुझे फटाफट करना है। सुबह से इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है ना कि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जो है मेरी थाली मैं लगा रही हूँ सबके लिए, और बहुत अच्छा सा ये झटपट थाली बन के तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो चलो हम लोग भी पहले खाने का एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी जो टाइम है 4 बज गई है, और आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे प्रेस करवाने के लिए, तो मैंने प्रेस करवा के प्रेस वाली से लाई हूँ। और प्रेस वाली कॉटन के कपड़े में क्या होता है कि इतना पानी डाल के प्रेस करती है कि हल्का हल्का सा जो गीला हो जाता है, तो हमेशा मैं क्या करती हूँ उसको धूप लगा देती हूँ पहले, उसके बाद ही हम इसको अरेंज करके अनवाड़ी में रखते हैं। तो मैंने सारे कपड़े को धूप लगा दी है और उसको हम अब अरेंज करके रख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा शॉर्ट ऑर्गेनाइज़र है, तो इसका वीडियो भी मैंने डाला है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये बहुत यूजफुल चीज़ है, बहुत अच्छे से इसमें सारे शर्ट आपके अरेंज हो जाएंगे। एक क्या आप 2, 3, 4 बनाना पसंद करेंगे अगर आप एक बार इसको बना के देखोगे तो इसमें काफ़ी शर्ट आ जाते हैं, 15 से 20 शर्ट इसमें आ जाते हैं। और हमें क्या होता है कि हमारे घर में जो कलरफुल शर्ट होते हैं उसके हमें नीचे रखना होता है, और जो वाइट होते हैं उसको ऊपर रखना होता है। तो मुझे बहुत अरेंज करके रखना होता है वाइट शर्ट, काले पेंट, ये सबको, कि एक बार में अनवारी खुले और फटाफट कपड़े दिख जाए। इसलिए मुझे शर्ट
जो कलरफुल होते हैं उसको मैं नीचे रखती हूँ और वाइट को ऊपर में रखती हूँ। अलमारी को कभी अरेंज भी करती हूँ लेकिन फिर खुद ही बिगाड़ भी लेती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अरेंज करके रखूँ लेकिन हो नहीं पाता है। और यहाँ पर मैं सारे पेंट को हैंगर में लगा के टांग दूँगी। तो ज़्यादातर कपड़े जो हमारे घर में ब्लैक और वाइट ही देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर सारे कपड़े को मैं पहले अरेंज कर लेती हूँ। तो मैंने अनबाड़ी में जो कपड़े थे वो मैंने सारे लगा दिए हैं, जो भी कपड़े मैंने प्रेस वाली से करवा के लाए थे। और यहाँ पर मैंने शाम हो गई है, टाइम जो है काफ़ी हो चुका है। चलो हम अपने गार्डन को दिखाते हैं। मैंने अपने गार्डन में जो फूल लगाए हैं, और ये जो फूल है ये बहुत सुंदर फूल है। ये नहीं है कि एक बार ये खिलते हैं तो उसी दिन ये सूख जाते हैं, काफ़ी टाइम रहते हैं, 4 से 5 दिन। और ये 2-3 महीने पहले मैंने ये गमला ख़रीदा था, मतलब ये प्लांट अब इसमें अच्छे से फूल आ रहे हैं। इसके जरिए मैंने बहुत सारे गेंदे के पौधे भी लगा दिए हैं। तो ये फूल जो है बहुत सुंदर लगता है, इसका कलर भी इतना सुंदर है देखने में। एक बार जब मैं छत पे आती हूँ तो मैं काफ़ी टाइम यहीं पे रह जाती हूँ। तो मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्त फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।